नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल द मिसिंग लाइफ के एक नए ब्लॉग पर। हाँ, थोड़ा देर से ही सही, लेकिन इस बार कुछ लंबे समय के बाद आप लोगों के लिए ब्लॉग लेकर आया हूँ, तो दोस्तों उसके लिए सॉरी। लेकिन चलिए आज आपको बताता हूँ, आप लोग देख रहे हैं पीछे मैं अभी जो हूँ वो है योग नगरी ऋषिकेश में, और ये पीछे का यहाँ नज़ारा है। स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है, आप लोग बोल सकते हैं इसको देख कर एक एयरपोर्ट जैसा नज़ारा, पूरा मेरा एयरपोर्ट का लुक दिया गया इस स्टेशन को। तो चलिए इसके बाहर चलते हैं और सारा कुछ दिखाते हैं उसके बाद। हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में पूरा लाइव देखने वाले किस किस कठिनाई का सामना करने वाले हैं हम लोग, या कैसे हम लोग पहुँचते हैं आपका जगह केदारनाथ या बद्रीनाथ। जी हाँ दोस्तों, पहले ही बता देता हूँ वीडियो में कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले दो धाम, चार धाम में से दो धाम यात्रा हम लोग करेंगे इस टूर में। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो ब्लॉग है ये आप लोग काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी टच कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले इस वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन के मतलब प्लेटफॉर्म का भी और स्टेशन का सारा नज़ारा आप लोगों को एक साथ दिखा रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत देखने में लगा। इसका जो गार्डन है उसको भी काफ़ी खूबसूरती के साथ सजा कर रखा गया, आप लोग देख सकते हैं पीछे एक भोले बाबा का मंदिर है और साथ में इधर घुमाते हैं तो इधर नंदी जी का भी एक टेंपल है और इसके साथ ये पूरा इसका गार्डन का लुक है इस तरह से। तो फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो हम लोग पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वहाँ का सीधा व्यू आप लोगों को दिखाते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहाँ पर जाना पड़ता है और क्या करना होता है। के लिए आप लोग को जो गाड़ी है वो नटराज चौक से मिल जाती है, वहाँ से आपको बस भी मिल जाएगा और शेयरिंग में बोलेरो भी मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग ने लिया है, देखिए जो सामने बोलेरो दिख रहा है उसको हम लोग शेयरिंग में लिए हैं, हम लोग टोटल अभी 6 आदमी हैं। तो आपको शेयरिंग में वहाँ 400 रुपया पड़ेगा जो कि हम लोगों को पड़ा है, और बस का तो किराया नहीं बोल सकते, शायद 250 रुपया या कुछ लेता है, लेकिन उसका इंतजार बहुत करना पड़ता है, उससे आपको समय का लैप्ट होगा, तो उसका इंतजार मत कीजिए। और अभी यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, वो जगह का नाम है तीन धारा, थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए रोका गया गाड़ी को, हम लोग सब नाश्ता करेंगे। और ये जो नदी दिख रहा है ये गंगा नदी है, यहीं आसपास कहीं तीनों धाराएं जो है अलकनंदा भागीरथी ये सब मिलकर यहाँ गंगा का रूप ले लेती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ दिखाते हैं रास्ता में। ये होटल का बालकनी है जहाँ हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और यहाँ से देखिए व्यू दिखा रहे हैं आपको, ये पूरा गंगा नदी का व्यू, साथ में चारों ओर पहाड़, यहाँ पे टर्न लिया है गंगा नदी, काफी खूबसूरत यहाँ का व्यू है, देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सारा कुछ आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो ब्लॉग है या वीडियो ही आप लोग काफी अच्छा लग रहा होगा देखने में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए।
इस तरह दोस्तों फाइनली अभी जो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, इस जगह का नाम है रुद्रकाशी और यहाँ हम लोग थोड़ा खाना वाना खाएंगे उसके बाद निकलेंगे गुप्तकाशी के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ये यहाँ का जो मार्केट है आप लोग देख सकते हैं, ये रुद्र प्रयाग का मार्केट है। तो इस तरह खाना खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं संगम देखने। यहाँ रुद्रप्रयाग में जो है संगम है, गंगा नदी का, तो उसी को देखते हैं आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आप लोगों को दिखाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जैसे रुद्रप्रयाग का जो मार्केट है उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद ये ब्रिज मिलता है, देख सकते हैं आप लोग। और इस ब्रिज के पार होने के बाद लेफ्ट में उधर दिखा रहे हैं आप लोगों को, उधर जाना पड़ता है और उधर ही है प्रयाग संगम जो बोलते हैं हम लोग। तो जा रहे हैं वहीं हम लोग, अभी सारे दोस्त मेरे पीछे हैं और वहां जाने के बाद देखते हैं। संगम है, दो नदी आपस में मिल रहे हैं, दोनों का कलर अलग है, दोनों का पानी का। तो सामने भी चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग। यहाँ जो देख रहे हैं दोस्तों, दो नदी आपस में मिल रही है, उसमें एक अलग नंदा है और दूसरी मंदाकिनी है। दोनों का पानी में साफ साफ डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, तो उधर भी है भीड़ है और इसका बहाव काफी तेज है एक नदी का, दूसरा का हल्का कम है। तो चलिए दोस्तों अब इसी को समाप्त करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज हम लोग को और आगे निकलना है। यहाँ पे स्पीड कैसे लग रहा है? तो देखा दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को सारा कुछ यहाँ का दिखा दिया रुद्रप्रयाग का। अब हम लोगों को यहाँ से गुप्तकाशी के लिए निकलना है और गाड़ी को भी खोजना, कौन सा गाड़ी करना है, कितना किराया करना है। तो फिर जो भी हो यहाँ से हम लोग चलेंगे अब गुप्तकाशी की ओर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग देख सकते हैं हमारे दोस्त लोग हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी तक मतलब गुप्तकाशी। और ये जो सामने खड़ा है बुलेरो, इसी से हम लोग शेयरिंग के सिस्टम से हैं। तो शेयरिंग में बता दें यहाँ का जो कॉस्ट पड़ा हम लोगों को 120 रुपये पर हेड ना, तो 120 रुपये पर हेड पड़ा। तो आज का स्टे जो है हम लोगों का यहीं पर होगा। तो हम चाहेंगे कि आज के इस ब्लॉग को यहीं पर कर देते समाप्त। यहाँ जो भी है आपको बता दें इस ब्लॉग में, और इसके बाद जो भी होगा उसको कल या अगले वाले ब्लॉग में बता देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इसे खूबसूरत ब्लॉग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।